क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार कि सीटा दा अलॉटमेंट ना होने का कारण की है, मतलब कि मैनू सीट अलॉट नहीं हुई। दो शिफ्टां है, कुछ एक सीट अलॉट हो गई है फर्स्ट प्रेफरेंस, कुछ एक फर्स्ट नहीं उस तो बाद वाली सेकंड थर्ड फोर्थ, और कई कोई अलॉटमेंट नहीं हुई, उसका कारण की है। घबराने की जरूरत नहीं है, समझ लेना है। पहला कारण तो यह है कि तुसी चॉइस जिन्ह ने, फॉर एग्जाम्पल कई लोग सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते से, उन्होंने फर्स्ट चॉइस ही फिल की है या सैकेंड चॉइस फिल की है, जहाँ उन्होंने चॉइस नंबर ऑफ चॉइस बहुत घट फिल की है। ठीक, चॉइस दो तरह फिल होंगी है, एक तो तुसी कॉलेज फिल करते हो और एक कॉलेज सेम लैके सब्जैक्ट जिहड़ा है सब्जैक्ट चेंज कर लेंगे हो। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन जलंधर तुसी भरिया है, पहला मान लो एस एस टी ने भरिया है, फिर तुसी ओ जिहड़ा है हिस्ट्री ने भर दिता है, हालांकि उत्थे नहीं है ये सब्जैक्ट, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हाँ। सो तुसी जे एक ही कॉलेज भरिया सी, इहदा मतलब कौड़ा कुट तुसी पहला ही भरिया सी कि मैं यही कॉलेज चाहनी है तो इत्थे मैनू मिल जाए। सो हुण दूसरी काउंसलिंग विच तुसी की करना है कि नंबर ऑफ चॉइसिस थोड़ियां ज्यादा भरनिया हैं। बाकी पहली वीडियो जिहदा लिंक इहदे नीचे दिता गया होएगा उहदे विच इह देख लो, डिटेल्ड वीडियो है कि तुहानूं इस सिचुएशन विच करना की है। सैकेंड काउंसलिंग की अलग वीडियो होएगी, वह तुहानूं देखनी पएगी, फिर केयरफुली नैचुरली तुहानूं अलॉट हो जाएगा। जे नहीं हुंदा फिर थर्ड विच जो हुंदा है वह काउंसलिंग यूनिवर्सिटी वालों नहीं होएगी, सीधी काउंसलिंग होएगी, तो उहदे हजे कोई गरंटी है लिखिया नहीं है, मैनेजमेंट कोटा है। पर जे तुहाडा रैंक अच्छा है तो तुसीं एक ही भरिया सी नहीं अलॉट हुई तो फिर असीं सीट नंबर ऑफ चॉइस घट फिल कीतियां सी, तां करके नहीं सानूं अलॉट होया। हुण असीं 10 तक फिल करते सिर्फ एक ही फिल की है, इट मीनस पहला कॉलेज में साडा रैंक साडे सब्जैक्ट ते साडी कैटागरी का नहीं आता सी, है ना, कोटे का नहीं सी आता, इसलिए नहीं मिली। जे सैकेंड फिल की होंगी शायद वो मिल जाती, हो सकता है सैकेंड की जगह तो थर्ड ही मिलती, जे असी फिल करते सू पता लगना सी। सो पहला कारण यह होया। दूसरा कारण है तुहाडा रैंक का, रैंक जिहड़ा है मन लो तुहाडा रैंक लास्ट कट ऑफ जिथे गई है उस तो तुहाडा रैंक थले है, इसलिए तुहानू नहीं मिली। फॉर एग्जाम्पल जिमें कि 101 बच्चे दे स्कोर आए, लेकिन स्टेट कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो पटियाला विच है लास्ट साइंस दी उहदे विच उन्होंने जिमें दस्या है, साइंस नहीं तो होर कोई होएगी, साइंस दी 102 ते गई है, है ना, तो वो जां तां उन्होंने उत्थे नहीं मिली जां किते होर मिल गई है। सो वो जो 29 तरीक नूं यह रिजल्ट आ जाना है, डिस्प्ले हो जाना है कि स्टेट कॉलेज विच पंजाब दे हर कॉलेज विच किन्नियां सीटां किस कैटेगरी दे खाली हैं, तो वह देख के असी देख सकते हैं। मान लो इस बच्चे की साइंस की जनरल कैटागरी की एक ही भी सीट जे हजे खाली पई हुई है तो 101 वाले नूं मिलन की प्रोबेबिलिटी 99% बन जाती है। सो साडा लोअर रैंक दूसरा कारण हो सकता है। तीसरा साडा सब्जैक्ट उत्थे अवेलेबल नहीं है। हुण एक फोन आया गवर्नमेंट कॉलेज जलंधर, वो गए तो उन्होंने एस एस टी मंगी तो इन्होंने डॉक्यूमेंट चैक कराए, सिर्फ हिस्ट्री पढ़िया सी उन्होंने। सो हिस्ट्री ना गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में, एक सोशल साइंस पढ़ी है तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में तुसी एलिजिबल नहीं हो एस एस टी लैने, तुहानू दूसरे दो सब्जैक्ट पढ़े होने चाहिए, पंजाबी ते पंजाब विच तुसी एलिजिबल हो। सो तुहाडा सब्जैक्ट नहीं बनता, मतलब कईयां दा उत्थे नहीं सी बनता जिथे उन्होंने प्रेफरेंस भरी सी, भावें 3 कॉलेज भरे सन तो उस नंबर ऑफ सीट उस सब्जैक्ट दियां घट सन। ऑड सब्जैक्ट तुहाडा हो सकता है म्यूजिक है, कॉमर्स है, होम साइंस है, इस तरह के जिहड़े संस्कृत है, जिहड़ा है तुहाडा ऑनर वाला लैंग्वेज वाले सब्जैक्ट है बहुत घट कॉलेजां च ने। अच्छा जिथे टीचिंग ऑफ पोलीटिकल साइंस है, टीचिंग ऑफ हिस्ट्री है, सारे कॉलेजों में नहीं है, है ना। सो वो सब्जैक्ट घट होण करके हो सकता है। तीसरा है कि तुहाडी कैटागरी, एक फोन ये आया कि सर मेरे 110 किन्ने नंबर दसे से उन्होंने ज़्यादा ही NSC तो मेरी फ्रेंड सी उसके 92 घट मार्क्स सन, मेरे ख्याल होर सी मैं एग्जैक्ट नहीं दस पा रहा। सो सर उन्हू क्यों मिल गई, मैनू क्यों नहीं मिली, उन्होंने जो पूछा तो वह बच्ची SC कैटागरी की सी, जनरल कैटागरी सी। सो तुसी अपनी अपने नाल कंपेयर करनी है, तुहाडी कैटागरी करके हो सकता है उसकी मैरिट जनरल मैरिट जनरल की मैरिट उपर जाती है, वो एक कारण हो सकता है। सो जे तुसी SC बच्चे का भी एक फोन आया जिसके 39 मार्क्स हैं, मैनू नहीं मिले, हाँ मार्क्स थोड़े कट है कैटेगरी के उस कॉलेज नहीं मिली होगी, 10 चॉइसिस भरते तो लास्ट कितने दूर
रिमोट एरिया सीट मिल जानी सी, सीट मिल जानी है, सीटा खाली पईयां ने। सो एक कारण यह हो सकता है। अगला है कि तुम कोटा, कई ने 15% रेंदे पंजाब ने 15 भर दिता है, और कई इतने लिखते हैं बहुत घट्टे जे केस ने जिन्होंने दूसरा कोटा आउट ऑफ पंजाब भर दिता है, है ना। सो कई बार पंजाब कोटे विच किसी कैटेगरी जां इहदे नाल इंट्रैक्शन हुंदा है उहदे विच सीट घट हो सकती सी, टोटल यह कारण ने। सो सैकेंड काउंसलिंग ध्यान रखना है, तुम नंबर ऑफ चॉइसिस ज़्यादा फिल कर सकते हो, सारिया दुबारा फिल कर सकते हो, ठीक है। रैंक तुम बदल नहीं सकते, सबजैक्ट तुम बदल सकते हैं पर तुहानू नहीं बदलना चाहिए, जॉब सिलेक्शन वाला TET वाला और गवर्नमेंट जॉब वाला ही प्रैफर करना चाहिए है, उसको समझ लेना चाहिए है। अज ये कुछ पेरेंट्स ने अज इदा गल की कि असी फिजिकल साइंस ही लेना है, साइंस नहीं लेना, उन्होंने दसना पै रहा है, एजुकेटड सी इवन टीचर सी फिर भी दसना पै रहा है। सो ये मत समझो कि मैंने सब कुछ पता है, मैं नहीं कई कुछ हजे सीख्या है। सो कैटेगरी तो ये चांसिस हो सकते हैं, इस दिन नाल दे होर वीडियो नाल दिते जा रहे हैं, तुसी अपने नाल रिलेटेड प्रॉब्लम का वीडियो देख सकते हो, एमरजेंसी से वॉइस मैसेज कर सकते हो, फोन कर सकते हो, जेकर एडमिशन हो गई है तो TET की तैयारी शुरू कर सकते हो। थैंक यू।